जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद आसिफ़ और आप देख रहे हैं ग्रीन गार्डन विद एम आसिफ़ जी। आज हम आपको बताएंगे जी, ये पत्थर चट का पौधा है। एक होता है पत्थर चट्टा और एक होता है पत्थर चट जी। हमारे पास ये पत्थर चट का पौधा है, तो ये हमने जो है ना जंगले के साथ हमने हैंगिंग किए हुए हैं, जो हम ऊपर छत पे जो है ना पर्दा वगैरह बनाते हैं, वो इस तरीके से हमने ये पौधे जो है ना हैंगिंग किए हुए हैं, ये हमने छत पे लगाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे पौधे बने हुए हैं, ठीक है। तो ये हम आज आपको बताएंगे कि इसकी कटिंग वगैरह किस तरीके से लगाई जाती है और किस तरीके से आप इसको ग्रो कर सकते हैं और किस तरीके से आप इसको जो है ना हैंगिंग कर सकते हैं आप जंगले के साथ। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारे पौधे चल रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो पत्थर चाट होता है, ये पथरी के जो मकसद गुर्दों में पथरी हो जाती है मसाने में, ठीक है, तो ये उसके काम, ये बहुत ही काम आता है उसके। इसके पत्ते जो है ना वो खास खा के जो पथरी होती है ना वो निकल जाती है रेजा रेजा होके। तो आपको हम बताते हैं कि किसकी कटिंग कैसे लगाई जाती है जी। आपने देखा हमने पौधे हैंगिंग किए हुए हैं, ये जो है ना ये नीचे भी हमने पौधे जो है ना हैंगिंग किए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये जो हमने बहुत से पौधे ये कटिंग से तैयार किए हैं, सारे पौधे आप देख सकते हैं। इसकी भी कटिंग लगाई हुई थी, ये बहुत ही प्यारा पौधा चला हुआ है, जो बहुत ही ज़बरदस्त ये पौधा बना हुआ है। तो ये पत्थर चाट होता है सर, तो इसको हैंगिंग करने का आपको तरीका आज मैं बता दूंगा कि आपने गमला कौन सा लेना है और किस तरीके का गमला लेना है आपने, और इसको हैंगिंग कैसे कर सकते हैं ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे हैंगिंग हुए हैं, ये नीचे तक लटक जाते हैं, ये बाहर आए हुए हैं, ये अंदर की तरफ लटक जाएगा और ये हैंगिंग बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो आपने इसमें तकरीबन दो कंपनी हमने लगाई हुई थी, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा पौधा बन गया। और ये गमला जो होता है ना, ये मिट्टी का गमला है और भर जाता है गमला, ये पत्थर चट के ये पौधा है ना इससे भर जाता है जी। ये हमने मिट्टी का गमला लिया हुआ है और आप देख रहे हैं इसके साथ जो कटिंग पड़ी हुई है, ये अब हम इसमें लगा देंगे। तो इसको हम हैंगिंग भी करके आपको दिखा देते हैं कि इसको हैंगिंग कैसे करते हैं। तो आपने करना क्या है कि इसके लिए आपने कोई भी तार ले लेनी है, चाहे लोहे की तार हो वो ले लेनी है आपने, चाहे जो हमारी बिजली वाली तारें होती हैं उससे आपने काट लेने छोटे छोटे टोटे जो आपने ना कटिंग करके, तो उसको इस तरीके से लगा लेना आपने। ये हमने लगाए हुए हैं, आपको दिखा सकते हैं, ये जो है मिट्टी का गमला है, इस तरीके का गमला है, बहुत ही प्यारा गमला होता है ये मिट्टी का गमला होता है। किसी भी जो है नर्सरी से आप सब आपको मिल सकता है या किसी भी ज़राई स्टोर से भी आपको मिल सकता है। अगर आप किसी भी जहाँ से आप ले सकते हैं आसानी से मिल जाए, ये तकरीबन 70-80 रुपये का ये गमला मिल जाता है, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा गमला है और बहुत ही प्यारी जो इसकी शेप होती है, बहुत ही प्यारा इसका जो है ना शेड बन जाता है। ये हमने हैंगिंग किए हुए हैं पहले से भी, ये लोहे की तार लगाई हुई है, तो ये हमने बिजली की तार लगाई है इसमें। तो जी हम इसको लगाते हैं, अभी लगा के आपको हैंगिंग करके दिखाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका रीज़न होता है और बहुत ही प्यारा इसका जो शेप बन जाती है। तो ये जो है ना हैंगिंग की तरह मकसद पौधा जो है लटक जाता है नीचे, बहुत ही प्यारा पौधा बन जाता है जी। आपने कुछ इस तरीके से लगा लेना इसको, ठीक है। तो कैमरा मैन हमारे पास नहीं है, मदद करते हैं, सॉरी, ठीक है सर। इस तरीके से हम इसका लगा देंगे थोड़ा सा दबा के, तो इसमें हम तीन पौधे लगा देंगे आज, ठीक है। इस तरीके से आपने तीन पौधे लगा देने, ठीक है। अभी हमने दो लगा दिए जी, हमने ये पौधे जो लगा दिए हैं, अभी आपको हम हैंगिंग करके दिखा देंगे कि किस तरीके से आपने लगाना है। तो जी हम यहाँ पे हैंगिंग करेंगे इसको, इसके सेंटर में, इस साइड पे भी एक पौधा है और ये आप देख सकते हैं इस साइड भी एक पौधा है। तो हम यहाँ पे जो है ना हैंगिंग इसको कर देंगे, आपको दिखा देंगे अभी जी। हमने ये हैंगिंग कर दिया इसको, इस तरीके से गिरा लगाई हमने, एक ये लगाई है और एक इस साइड पर लगाई है हमने। तो बहुत ही प्यारा पौधा है, हो जाएगा ये बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है। आप देख सकते हैं बहुत ही इसका प्यारा जो है ना शेप बना दिया हमने, ठीक है। इसको भी हमने हैंगिंग कर दिया है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचते रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मोहम्मद आसिफ को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।